वो भाजपा का भी हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, अन्य पार्टियों का भी हो सकता है। किसान तो एक किसान है, किसान के साथ ऐसा करेंगे तो आगे इनके चलने वाले नहीं है। और अन्नदाता जब एक बार बिगड़ता है तो फिर वो किसी का काबू नहीं रहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। आज हमारे साथ अटेली विधानसभा की एक ऐसी शख्सियत हैं जो समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। इनका नाम है कृष्ण कुमार, राजपुरा से हैं, अटेली के पास ये गांव है। आज हम इनके घर पहुंचे हैं और इनसे किसानों पर जो आज लाठीचार्ज हुआ, कल की बात मैं कर रहा हूँ, इस पर ही इनसे इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सर, ओके न्यूज़ हरियाणा पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले क्षेत्रवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देना चाहता हूं। और जो ये भाजपा सरकार है, किसानों पर अत्याचार कर रही है, लाठी चार्ज करके अन्नदाता के साथ जो अन्याय किया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे पहले तो इन्हें सोचना चाहिए। ये बोलते हैं कि ये कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी किसान हो, कांग्रेसी नहीं हो सकता क्या? किसान कोई भी हो सकता है, वो भाजपा का भी हो सकता है, वो कांग्रेस का भी हो सकता है, अन्य पार्टियों का भी हो सकता है। किसान तो एक किसान है, किसान के साथ ऐसा करेंगे तो आगे इनके चलने वाले नहीं है। और अन्नदाता जब एक बार बिगड़ता है तो फिर वो किसी का काबू नहीं रहता। तो आपके हिसाब से जो अन्नदाता आज सड़कों पर है, और पिछले 8 महीने तो हो गए हैं लगभग, तो आपकी कांग्रेस जो है किसानों के कितना साथ खड़े है? हम सभी किसान के साथ हैं, हम धरना प्रदर्शन में सब जगह उनके साथ हैं, अन्नदाता के साथ खड़े हैं, जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ती है जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये सरकार इसमें बदलाव करे और किसानों की बात को माने, इनका मान सम्मान करे। नहीं, सरकार ये कह रही है जो नियम है, काले कानून, जिनको किस जो रोड सड़कों पर जो बैठे हैं, जो उनको काले कानून का नाम दे रहे हैं, सरकार कह रही है किसान हितैषी हैं और ये बिल्कुल हटेंगे नहीं, बदले जा सकते, कुछ परसेंट बदलाव किया जा सकता है। किसान हितैषी बता रहे हैं तो किसान हितैषी है तो उनको समझाए किसान हितैषी कैसे हैं। उस बिल के बारे में किसान को अब तक सरकार समझाने में नाकामयाब रही, बिल्कुल ये समझाने में नाकाम रही है। सबको बताए ना इसमें क्या खामियां है, क्या है, क्या लाभ होगा किसानों, किसानों को लाभ का तो पता ही नहीं। और यही है कि जब तक किसान संतुष्ट नहीं होता तब तक तो सरकार का कोई वो ही नहीं है। अगर भाई जब तक अन्नदाता है उसको ही हम संतुष्ट नहीं कर सकते तो बताओ सरकार का क्या रहेगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में, और इन कानूनों को सरकार समझाए या तो, या इनको वापस करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार राजपुरा, जो कह रहे हैं कि किसानों को या तो समझाया जाए या इन कानूनों को हटा दिया जाए। खबर नहीं, सच के लिए आप देखते रहिए ओके न्यूज़ हरियाणा। नमस्कार।